नीरज चोपड़ा एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत को कई वर्षों के बाद गोल्ड मेडल दिलाने में सफल हुए। ये मुकाम उन्होंने रातों रात हासिल नहीं किया बल्कि कई वर्षों की मेहनत और लगन उन्हें आज इस मुकाम पर ला खड़ा कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे नीरज चोपड़ा के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नीरज चोपड़ा का जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके कोच उनके बारे में ये बताते हैं कि उन्होंने नीरज चोपड़ा को पहली बार वर्ष 2011 में देखा जब वह मात्र 13 साल के थे और उस समय वह बहुत मोटे थे। पानीपत का एक स्पोर्ट्स स्टेडियम जहां पर नीरज चोपड़ा ने पहली बार जैवलिन थ्रो देखा, छुआ और उसे अपने हाथों से अपने बेहतर भविष्य की तरफ उछाल दिया। उनके कोच उनके बारे में ये भी बताते हैं कि उन्होंने जब नीरज चोपड़ा से जैवलिन थ्रो करवा के देखा तब उन्हें कुछ महसूस हुआ कि उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है। लेकिन नीरज चोपड़ा को ओलंपिक तक का सफर तय करने के लिए जिन सुविधाओं की जरूरत थी उनके पास नहीं थी क्योंकि वह किसान के बेटे थे। ऐसे में इंडियन आर्मी नीरज के लिए एक संजीवनी बूटी बनकर आई। 2016 में नीरज चोपड़ा ने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया। आर्मी में ज्वाइनिंग करने के बाद भी वे अपनी ट्रेनिंग जारी रखे थे। ट्रेनिंग के दौरान अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलते वक्त नीरज की कलाई टूट गई। उन्हें उस वक्त लगा कि अब वो जैवलिन में अपना करियर आगे नहीं बना पाएंगे। लेकिन अपनी चोट से उबरने के बाद नीरज चोपड़ा ने पहला अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड वर्ष 2016 में साउथ एशियन गेम्स में अपने नाम किया। उसके बाद उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय गेम्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड अपने नाम किया। जबरदस्त परफॉर्मेंस और उनकी हार्डवर्क को देखते हुए नीरज चोपड़ा को विश्वास था कि वो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे और आखिरकार उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रो के लिए क्वालिफाई कर लिया। 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में डेब्यू करते हुए भारत को कई वर्षों के बाद गोल्ड मेडल दिलाने में सफल हुए और इनकी मेहनत और लगन को देखते हुए हरियाणा के सीएम उन्हें 6 करोड़ देने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, उन्हें क्लास 1 की नौकरी तो वही पंजाब के सीएम कप्तान अमरिंदर सिंह ने 2 करोड़ और मणिपुर की कैबिनेट ने 1 करोड़ देने का ऐलान किया। इसी के साथ बीसीसीआई ने 1 करोड़, आईपीएल की सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग ने 1 करोड़ देने का ऐलान किया। इंडिगो ने तो नीरज को 1 साल के लिए फ्री ट्रैवलिंग करने का ऑफर किया तो वहीं महिंद्रा ने टॉप मॉडल एक्सयूवी 700 देने का वादा किया। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड हासिल करने के बाद जब नीरज चोपड़ा भारत लौटे तो भारत में उनका भव्य स्वागत हुआ। उसके बाद जब वो अपने घर पहुंचे, उन्होंने मेडल अपनी माता पिता को पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। नीरज चोपड़ा के अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानकर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।